5 पायलट मैट्रिक और 3 अंडर मैट्रिक सिविल एविएशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अंडर मैट्रिक तो बस नहीं चला सकता, ये जहाज उड़ाते हैं। चीफ जस्टिस ने पीआईए को नए पायलट्स की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की इजाजत दे दी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाप्त की। अदालत के रूबरू सिविल एविएशन की जानिब से पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 7 पायलट्स की डिग्रियां जाली पाई गई हैं। 5 पायलट मैट्रिक और 3 अंडर मैट्रिक हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि पायलट्स और केबन क्रू की 4321 डिग्रियों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। 438 डिग्रियों की तस्दीक का अमल जारी है। पीआईए के वकील ने बताया कि डिग्रियों का रिकॉर्ड फराहम ना करने वाले 50 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि मैट्रिक से कम तो बस नहीं चला सकता, यहाँ जहाज उड़ा रहे हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया, ऐसे अफराद से किसी किस्म की रियायत ना की जाए। अदालत ने डिग्रियों की तस्दीक का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट आज ही जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पीआईए को कॉन्ट्रैक्ट पायलट्स भर्ती करने की इजाजत भी दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज।